हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे ना अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा था और अभी मैं यहाँ पे पापड़ छान रही थी। ये ना मूंग दाल का पापड़ है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, तो ये रखा हुआ था तो अभी मैं इसका छान रही थी। और आज है सैटरडे, तो आज मैं सुबह से ना कुछ भी ब्लॉग नहीं बनाई थी, कुछ भी नहीं, बस यही शाम से जो है मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। तो आज दिन भर मैं कुछ भी नहीं खाई थी और मैं कुछ भी ब्लॉग वगैरह भी नहीं बनाई थी, क्योंकि अभी ना मनीषा जो है, मतलब उसको मैं थोड़ा सा डांटी थी तो वो भी खाना नहीं खाई थी और मैं भी नहीं खाना खाई थी, बस मैं चाय पी थी, वो तो कुछ भी नहीं खाई है सुबह से। तो अभी भी मैं बोल रही हूँ खाना खाने के लिए तो वो नहीं खा रही है। तो आज मैं बनाई थी खिचड़ी और चोखा, तो डुग्गू और गोलू खाए हैं और मैं और मनीषा अभी नहीं खाई। तो मुझे अभी लगा था, भूख था, अभी मैं जा रही थी खाने के लिए थोड़ा सा और यहाँ पे पापड़ छान के। और उसके बाद जो है अभी, मतलब अभी मनीषा का भी मैं क्या बताऊँ, वो भी थोड़ा ना ज़िद्दी है और बच्चे कभी कभी अपन ज़िद करने लग जाते हैं। वैसे तो वो समझदार है पर कभी कभी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी बन जाती है। तो ये है, और ये देखिए मैंने अभी पापड़ छान लिया है, उसके खाना खा रही हूँ। और ये खिचड़ी जो है ना शाम, मतलब इवनिंग में खा रही हूँ, तो ये ना ठंडा हो गया था और खाने का भी उतना मन नहीं कर रहा था, तो अभी मैं खा रही थी थोड़ा सा। और खिचड़ी या वो मार भात जो होता है ना, वो गरम गरम खाने से अच्छा लगता है, तो फिर मैं थोड़ा सा ही ली हूँ, ज़्यादा नहीं ली हूँ। और मैं खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ ना, बहुत कम बनाती हूँ, बहुत कम, क्योंकि बच्चे भी कम कम खाते हैं और मैं तो बिल्कुल थोड़ा सा ही खाती हूँ। तो ये देखिए अभी ना सूखा सूखा हो गया था और ठंडा भी हो गया था, तो उतना अच्छा नहीं लग रहा था, फिर भी मैं अभी थोड़ा सा खा रही थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए डुग्गू अभी लगा रहा है पोछा। आप लोग बोलते हैं ना आप अपने बच्चे को काम नहीं करवाते हैं, तो मेरे तीनों बच्चे जो है कुछ ना कुछ करते हैं। तो अभी ये खाना खाया है और यहाँ पर मैं बैठी थी, तो अभी यही पोछा लगा दे रहा है। ठीक है, सही से लगाओ, सही से। हाँ, हो गया हो गया हो गया, इसको सही कर दो, पोछा को सही कर दो। क्या कर रहा है? तो यहाँ पे ना कब से ये पानी में खेले जा रहा है, ये सब अपना ये से साफ कर रहा। क्या है, कैसे साफ किया ये करे ना? तो इसमें ना क्या कर रहा था, मतलब एक घंटा हो गया करीब, तो इसमें मतलब साबुन लगा के ब्रश मार रहा था ना। क्यों किया इसको, क्यों किया? पूरा साफ करे। अरे इसको साफ ऐसे नहीं किया जाता है, कपड़ा से साफ किया जाता है। जैसे बहुत साफ तो बंद करो, पानी बंद करो और यहाँ पे वाइपर लगाओ। तो अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा है, अभी मैं थोड़ा सा ना सो गई थी खाना खा के। चेंज कर लो कपड़ा, सो गई थी, मतलब अभी ना बस मैं लेटी थी, मोबाइल थोड़ा सा मैं देख रही थी। और अभी मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राई। ये देखिए आलू मैंने इस तरीके से कट किया है और यहाँ पे पानी बॉयल हो रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डालूँगी, उसके बाद जो है ये आलू को डाल दूँगी, तो इसको बहुत पसंद है, तो अभी मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा नमक डालूंगी और इसको ना मैं भी बनाऊंगी जैसे कि फूड कलर डाल के। तो बस इसको मैं थोड़ा सा मतलब हाफ बॉईल कर लेती हूँ और इसके बाद जो है फ्राई करूंगी। और ये देखिए पापड़ मैं छान के रख दी थी, ये ना बिल्कुल वो काफ़ी टाइम बाहर रह गया ना, तो इसलिए कुरकुरे नहीं है वो। हाँ, कोई फुल पैंट नहीं मिल रहा हमको, मतलब फुल हाफ पैंट नहीं मिल रहा, फुल पैंट मिल रहा। यहाँ पे ये देखिए पोटैटो को ना मैं बॉईल करके जो है सुखा ली थी, उसके बाद जो है इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा अरारोट। तो अभी मैं इसमें ना कलर डाल के मैं बनाने वाली थी, पर ये कलर जो है ना फूड कलर, वो मैं बाद में डालती हूँ, मुझे ना पहले ही डालना चाहिए था। तो ये देखिए मैं बाद में डालती हूँ ना, तो इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं आता है। और ये अरारोट भी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। यहाँ पे अभी ये क्या हुआ ना, मैं फ्रेंच फ्राई ये बनाई, तो इसमें मैं फूड कलर डाली थी ना, तो ये पहले मैं वो डाल दी थी अरारोट, तो उससे ना ठीक नहीं हुआ मतलब। और फिर से मैं थोड़ा सा दो आलू जो है और मैं बॉईल कर रही हूँ, इसमें ही मैंने फूड कलर जो है डाल दिया है ऑरेंज वाला,
तो ये इसमें आप कलर आया है अब जाके कुछ ऐसा, और इसमें मैं हल्का सा अरारोट डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। और ये जो बना है ना, ये भी क्रिस्पी बना है और अच्छा लग रहा है खाने में। तो बस अभी मैं इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। और मनीषा भी उठी, बर्फ जम गया है तो फ्रिज में ना खाली बोतल भरा है और पूरा मतलब ये बर्फ बंद कर दो। ठंडा लग रहा है एकदम। लो पे मैं चलाती हूँ फ्रिज को, फिर भी ना ये जो है बर्फ तुरंत ही मतलब आधा घंटा अगर रहेगा ना बर्फ बन जाता है ऊपर। वैसे कुछ रखी नहीं है, सब्जी वगैरह भी सारा खत्म हो गया, तो अभी सब्जी भी लाना। ऐसे खराब हो जाएगा ना, ऐसे नहीं करते हैं। क्या करता है ना, कभी कभी हाथ छोड़ के भी चला लेता है एकदम। नहीं ऐसे नहीं करना, हम देखे हैं यहाँ पे बालकनी से देखे थे उस दिन, तो उसे हाथ छोड़ के चला रहा था। ऐसे नहीं एकदम नहीं करना है, हाथ छोड़ने मजा आता है ऐसे चल रहे और कभी खड़े होके। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है। कुछ इस तरीके से ये फ्राई हो रहा है, इसमें प्रॉपर जो फ्रेंच फ्राई का हुआ था है ना, मतलब दिल्ली में जो मिलता है पटैटो चिल्ली पटैटो, तो वो वाला इस तरीके से ही दिख रहा है। ये देखिए फूड कलर डालने से, उसके बाद ये ना थोड़ा सा ये बच गया है, पहले मैं की थी तो ये वाला इसमें डाल के जो है फ्राई करती हूँ। इससे क्रिस्पी बन रहा है और उससे थोड़ा सा क्रिस्पी कम बन रहा है, तो प्रॉपर जो कलर आया है ना वो इसमें आया है। ये देखिए वाह, इसमें कलर आया है, इसमें भी इतना अच्छा कलर नहीं आया है। तो ये देखिए एकदम ये तीखी वाली जो मोमोज की चटनी होती है ना, उसके साथ खाने से बहुत अच्छा लगेगा ये। बस ये भी बन गया है, ये जो है बन गया है। इसमें मैं चाट मसाला और नमक, काला नमक जो है डाल देती हूँ। अभी बन गया है सारा, और अभी ना मेरा दूध लेने जाना है, दूध लेने टाइम हो गया है, दूध दूध का तो भी लेट भी हो गई हूँ। तो अभी मैंने ना दूध ले लिया है और लग रहा है बारिश आएगा, बादल गरज रहा है। आज मैं लेट हो गई, इससे जल्दी मैं आती हूँ। कीचड़ यहाँ पे बहुत है, गोली गाय ना मारती है संभल के इससे। और यहाँ पे ये देखिए ये नदी। फ्रेंड्स अभी मैं आ गई दूध लेके, और हाँ आप लोग ना काफ़ी लोग जो है मुझे बोल रहे थे कि आप ना जैसे कि घर से ही कुछ मतलब टिफिन सर्विस का जॉब जो है कर सकते हो, खाना अच्छा बनाते हो। तो खाना तो मैं अच्छा बनाती हूँ, मतलब बहुत अच्छा बनाती हूँ। जैसे कि कोई भी चीज़ मुझे बनाने बोलेंगे ना, तो बस मुझे उसका सामान चाहिए, और मैं इतना अच्छा बनाती हूँ ना मतलब बना लेती हूँ। एक बार कोशिश करती हूँ, एक बार में नहीं बनता है ना तो दोबारा तो मैं बना ही लेती हूँ। और रही टिफ़िन सर्विस का ना, तो हमारे यहाँ पे ना पास में ही मतलब वो पूरा उनका वहाँ पे उधर थोड़ा सा आगे, तो फिर ना पूरा वो अपना मतलब बहुत सारे आदमी रहते हैं और बहुत सारा खाना वगैरह बनाते हैं, टिफ़िन सर्विस का मतलब करते हैं। काफ़ी पहले मैं ट्राई भी की थी, किसी किसी से मैं पूछी भी थी कि टिफ़िन वगैरह आपको चाहिए क्या। और हमारे इस फ्लैट में जो हम लोग रहते हैं ना, इसके नीचे भी कोई कर रहे थे, तो फिर ये खाली करके ना आगे चले गए। और मतलब यहाँ पे होता है टिफ़िन सर्विस, और यहाँ पे जैसे कि दूर दूर तक ना स्कूल कॉलेज ना यहाँ से दूर है यहाँ पे, तो वहाँ पे भी मैं बात करती तो कैसे मैं बात करूँ। मतलब मैं ट्राई की थी एक बार, सबसे पहले
किसी किसी से बात की थी तो वो मतलब नहीं बोले, वो मतलब ले रहे हो कहीं तो ऐसे कुछ बोल। और रही जोमेटो स्विगी की बात, तो ये सब में ना मतलब बहुत सारा वो होता है प्रोसेस उसका, तो वो मुझे नहीं पता। और मतलब जोमेटो में खाना वगैरह कैसा मतलब बनता है थोड़ा सा अच्छे से, तो उतना अच्छा भी मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो वहाँ पे मैं कैसे करूँ और कैसे स्टार्ट करूँ फिर वो ना मुझे समझ में नहीं आता है। तो इसी वजह से ना मतलब मैं घर बैठे ना क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। कर तो मैं सकती हूँ पर वही क्या करूँ मुझे कुछ नहीं पता। और रही एक बार ना आप लोग बोल रहे थे कि वो मतलब कुछ जैसे कि ठेला वगैरह कार्ट होता है ना कार्ड, तो वो भी लगाने के लिए, तो वहाँ पे भी मतलब हम लोग के यहाँ पे मार्केट है तो वहाँ पे पहले डिपॉजिट के लिए पैसा, फिर वही कार्ट वगैरह वो बनाने के लिए, वो उसमें भी बहुत अच्छा खासा जो है इन्वेस्ट करना पड़ता। तो फिर ये एक साल पहले की बात है, तो मैं बहुत ट्राई की हूँ सब कुछ तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये है, नहीं तो मैं ना खाली बैठने वाली नहीं हूँ, मतलब मैं ना कुछ कुछ ना कुछ करना ही चाहती हूँ खाली बैठने वाली से मैं, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है खाली बैठना, तो मैं क्या करूँ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यही है और एक ही रास्ता बचा है, अब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तो वही मैं जॉब करूँगी कहीं पे भी, मतलब देखूँगी। अभी तो डुगू थोड़ा सा छोटा है इसी वजह से नहीं कर पा रही हूँ। और ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आप सबको पसंद आए ना तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग को साड़ी चाहिए ना तो मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, मेरा कांटेक्ट नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी कम दाम में ना आपको जो है साड़ियाँ मिल जाएंगी, डेली वेयर की साड़ी, पार्टी वेयर साड़ी भी है थोड़ा बहुत है, पर डेली वेयर की साड़ी जो है मेरे पास मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं और छिंगने ब्लॉग के साथ, थैंक यू, बाय बाय।